कौशिक अगर जिंदा होते तो 13 अप्रैल को अपना 57वां जन्मदिन मना रहे होते। उनके याद में करीबी दोस्त अनुपम खेर और उनके परिवार वालों ने एक म्यूजिकल मीट रखा। अनुपम खेर इस दौरान काफ़ी इमोशनल नजर आए। उन्होंने कहा कि निधन के एक दिन पहले उनकी और सतीश की मुलाकात हुई थी। अनुपम ने कहा कि सतीश काफ़ी थके थके से लग रहे थे। उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल जाकर चेक कराने की सलाह दी थी। इस पर सतीश ने कहा कि चिंता मत करो, अभी भी मरने वाला नहीं हूँ। इसके 3 घंटे के बाद उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अनुपम खेर के अलावा इस मीटिंग में अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, शबाना आजमी और जॉनी लीवर भी मौजूद रहे। इस दौरान अनुपम स्टेज पर काफ़ी वक्त तक रोते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा, सतीश तो चले गए लेकिन हमारी दोस्ती तमाम उतार चढ़ावों के बाद भी बनी रहे। अनिल ने उनकी याद में एक ऑडियो विजुअल तैयार किया है, हम उसे देखना चाहेंगे। मैं अब अनिल से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आए। अनिल कपूर स्टेज के सामने साइड में बैठे थे, वे लगातार रोए जा रहे थे। उन्होंने सामने आने से मना कर दिया। तब अनुपम ने कहा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं इस दुख के क्षण में अकेले नहीं निपटा सकता। अनुपम ने आगे कहा, सतीश की काबिलियत को कभी कभार कम आंका जाता था। उन्होंने कभी अपने आप की मार्केटिंग नहीं की, वो अपने आप में ही काफ़ी यूनिक थे। हालांकि अनुपम के बुलाने के बाद भी अनिल नहीं आए। अनिल काफ़ी रोते नजर आ रहे थे। अनिल को रोता देख अनुपम ने कहा, अनिल तू पागल है, मैं इतना ठीक तो जा रहा था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।